अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू इनऑर्गेनिक इनआरगैनिकलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इनऑर्गेनिक इनआरगेनिकलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो चैप्टर वन है जिसमें आपको टर्म्स और क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनके अंदर डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाई वन सो so, हम वेरी स्टार्ट से उसको देखेंगे हम सबको पता है हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो क्वांटम नंबर्स हमने देखे हुए हैं कि छोटी क्लासेस में कि उनकी फ़ोर टाइप्स होती हैं एक्चुअली और वो फ़ोर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हमने प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर्स को देखा हुआ है देन हमने एजी क्वांटम नंबर्स देखे और मैग्नेटिक और स्पिन इन चार क्वांटम नंबर्स को हमने डिटेल में एफ लेवल पर पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से शो करते हैं ऐजिम क्वांटम नंबर को एल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम एल और स्पिन क्वांटम नंबर को हम एम एस से शो करते हैं अब हम एल की बात करें तो इसको हम कहते हैं एक ओल्ड इसका नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर अब हम हम इन चारों क्वांटम नंबर्स को तो देख लिया कि ये क्या क्या होते हैं इनको किस किस साइंस से शो किया जाता है देन uh, हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें कि हमने कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन को फ़िल करने के तो हमने पॉलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है और पोलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका सेम क्वांटम नंबर नहीं होता नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम नंबर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर इलेक्ट्रॉन की आ, एटम के अंदर अपनी एक मखसूस जगह होती है जहां पर वो पाया जाता है देन बात करें दूसरा रूल जो है जो हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा यहाँ पे वो हन्स रूल है और हन्स रूल ये कहता है हमें कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बारी बारी यानी सिंगली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड सिंगली तो ये हमारे पास कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी देन आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है जानना उसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसके अंदर अगर एल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी हमें पता है कि ये ऑर्बिटल होगा एस ऑर्बिटल और इसके केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो होगा ज़ीरो क्योंकि ये डायरेक्शन लेस कैरेक्टर होता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती जब हम बात करें एम एल जो कि है एल इज़ इक्वल एम इज़ इक्ल टू होता है प्लस वन ज़ीरो एंड माइनस वन ये इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है पी का देन इसी तरह से आप डी के अंदर चले जाते हैं तो एम एल डी के अंदर क्या होगा वो होता है टू जिसमें एल होता है टू और वो होता है डी ऑर्बिटल देन उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस टू प्लस वन ज़ीरो माइनस वन एंड माइनस टू ये होता है उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कॉन्फिगोरेशन का तो कॉन्फिगुरेशन क्या होती है हमारे पास इट इज एक्चुअली द अरेंजमेंट किसकी अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द द ऑर्बिटल्स देन हम एग्जांपल लेते हैं कॉन्फिगुरेशन की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हम टाइटेनियम की एग्जांपल लेते हैं तो टाइटेनियम होता है ट्वेंटी टू 22 ट्वेंटी टू एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एंड फोर एस फोर एस टू एंड थ्री टी टू अब लास्ट वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो लास्ट वाले शेल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो डी है डी सब शेल है तो उस सिस्टम को वो एक सिस्टम कहलाएगा और उसको हम डी टू सिस्टम भी बोलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पी लास्ट सब शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसके अंदर P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हमारे पास p1 सिस्टम होगा तो सिस्टम को आपने कंफ्यूज नहीं करना और सिस्टम जबकि इसकी बात करते हैं तो ये आपको इस तरह से भी लिखा दिया हो सकता है उसके राइट साइड पर सिस्टम इसको डी टू सिस्टम बोलते हैं और इसी तरह पी वन सिस्टम ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं अब हम बात करते हैं पी की तो पी जो है पी वन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम पी वन सिस्टम की बात करें तो आई क्लेम कि पी वन सिस्टम के अंदर पी वन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के छह तरीके हैं सिक्स वेज किस चीज़ के टू अरेंज वन इलेक्ट्रॉन इंटू दी ऑर्बिटल हाव तो पी ऑर्बिटल के अंदर जाने से पहले हम एक जनरल सी बात कर लेते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं हमने स्टार्टिंग से कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है हम जानते हैं कि ये एक ऐटम है और उसके शेल्स की बात चल रही है जो Uh, बहुत इनर वाला है उसको हम बोलते हैं कि ये के उसके बाहर वाला एल देन एम और उसके लास्ट वाला होगा वो होगा एन ये आता है अंडर किसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के।, के देन आप इस के को एल एम और एन को ले लेते हैं तो के के अंदर फर्दर वन सबशेल होता है जिसको आप एस बोलते हैं एल के अंदर दो सबशेल होते हैं एस एंड पी एम के अंदर एस पी एंड डी और एन की बात करें एस पी डी एंड एफ़ ये वाले सब होते हैं अब आप इनटू द कॉन्फ़िगरेशन जा रहे हैं यहाँ पर तो आपने आ, एटम को जब आप देखते हैं तो आपको कुछ ये वाला सिस्टम नज़र आता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं आपको ये वाला सिस्टम नज़र आता है अब जब और इसको आपने एजुम क्वांटम नंबर कहा था एज्म क्वांटम नंबर जिसको आप एल से शो करते हैं या एंगुलर क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं देन इसी के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब आप एस की बात करते हैं तो एम एल जो है वो ज़ीरो होता है ज़ीरो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है देन Uh, अगर हम बात करें ये रिलेट करता है के से अगर एल की बात करें एल से क्या रिलेट करता है इसके अंदर दो सप्शर हैं एक एस है और एक पी है तो उसके लिए एम एल जो है वो तो एक तो ज़ीरो होगा इसके लिए देन पी की बात करें तो उसके अंदर एम एल एल इज़ इक्वल टू वन होगा जो कि पी सप्शर के लिए और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास प्लस वन ज़ीरो एंड माइनस वन ये होंगे दिस ऑल टर्म रिलेट्स टू दिस uh, ठीक हो गया देन आप बात करते हैं एम की तो एम के केस में तीन सबसेल्स आ जाते हैं एस पी एंड डी तो उसके अंदर एस के केस में एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब आप एस की बात करेंगे जब आप एम की बात करेंगे जब आप एम की बात करेंगे तो आपके पास होगा पी इज़ इक्वल टू वन होता है यहाँ एल इज़ इक्वल टू वन डैट इज शोइंग एस पी और उसके अंदर प्लस वन ज़ीरो एंड माइनस वन और जब आप डी की बात करते हैं एम एल तो आपके पास एल इज इक्वल टू होता है टू एंड वो होता है डी ऑर्बिटल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास आते हैं प्लस टू प्लस वन ज़ीरो माइनस वन एंड माइनस टू और ये सारी टर्म जो है ये अब बिलोंग करती है एम से तो दिस दिस ऑल द प्रोसीजर इज़ जस्ट रिलेटेड इन टू द एटम कि आप एटम की सरफेस को uh, खोलते जा रहे हैं और आप अंदर की, हैं। और अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर की तरफ जाते हुए भी आप क्या कर रहे हैं अब आप देख रहे हैं कि पी वन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि P1 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने का कोई तरीका है तो P1 के अंदर जी बिल्कुल P1 के अंदर इलेक्ट्रॉन को आ, प्लेस करने के छः तरीके हैं सिक्स वेज एंड हाउ इट कुड बी पॉसिबल हम इसको पॉसिबल करेंगे हम लिखते हैं एम एल दैट इज़ इक्वल टू प्लस वन इन द केस ऑफ पी जब एल इज़ इक्वल टू वन है और वो हमारे पास पी ऑर्बिटल है एम एल हमारे पास प्लस वन है ज़ीरो है और माइनस वन है और इसके केस में क्या हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन है आप पी पी वन सिस्टम पी वन सिस्टम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं आप ये बताना चाह रहे हैं कि छः तरीके हैं इसको प्लेस करने के तो आप पॉसिबिलिटीज़ लिखते जाएं ये पॉसिबिलिटी जो है वो वन है एक तरीका क्या है सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है आपने वो यहाँ पर प्लेस कर देंगे ठीक हो गया दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आप उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपर स्पिन के साथ थर्ड पॉसिबिलिटी है आप उसको इस वाले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ प्लेस कर देंगे ठीक है देन अब हम चलते हैं फोर्थ पॉसिबिलिटी की तरफ फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ आ सकता है देन फिफ्थ पॉसिबिलिटी ये है कि वो यहाँ भी आ सकता है लेकिन डाउन स्पिन के साथ एंड सिक्स पॉसिबिलिटी क्या है वो यहाँ आ सकता है माइनस वन में विद ऑपोजिट स्पिन तो इस तरह से जैसे हमने क्लेम किया कि सिक्स वेज हैं एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के तो वो हमने इस तरह से प्रूव कर दिया कि सिक्स पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं मैं आपको एक एक्सरसाइज़ देती हूँ कि जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के तरीके फाइंड आउट करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डी वन सिस्टम के बारे में कहती हूँ कि आप डी वन सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन uh, को कितने तरीक़ों से प्लेस कर सकते हैं और अगर मैं आपको हिंट दूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कीप इट इन माइंड दैट एम एल इंटू द डी इज़ प्लस टू प्लस वन ज़ीरो माइनस वन एंड माइनस टू तो ये हिंट है आपके पास इसे आप फाइंड आउट करके देखेंगे कि आपके पास d1 सिस्टम में कितने तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को प्लेस करवा सकते हैं कितने तरीके हैं देन एट द एंड आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर निकालेंगे एंड आफ्टर दैट आपका आंसर होना चाहिए दे आर टेन वेज फॉर d1 सिस्टम टू प्लेस इलेक्ट्रॉन ओके एंड यहाँ तक हमारा एक जनरल सा लेक्चर था नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग